म्यांमार। भारत की तरह म्यांमार भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। ये सागौन की लकड़ी, टीन जैसे खनिज, कीमती पत्थर जैसे नीलम, माणिक व चावल इत्यादि का प्रमुख उत्पादक देश था। भारत की आज़ादी के 5 महीनों बाद ही म्यांमार को भी स्वतंत्रता मिल गई। वहाँ भी भारत की तरह संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई, जिसमें 2 सदन थे। ऐसा लगा जैसे म्यांमार भी भारत की तरह लोकतांत्रिक देश बनकर उभरेगा, किंतु म्यांमार के पास उस समय कोई मजबूत राजनैतिक दल, कुशल नेतृत्व और जन चेतना नहीं थी जो म्यांमार को सही मार्ग दिखा सके।